कन्नौज में भाजपा प्रत्याशी असीम अरुण ने शनिवार को अपना नामांकन किया। वो सादगी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और दो प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी असीम अरुण बोले कि चुनाव का मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था रहेगी और उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र की जनता भाजपा का साथ देगी। वहीं जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चुनाव प्रतियोगी होना चाहिए, इसमें लड़ाई या हिंसा की कोई भावना नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है विधानसभा कन्नौज सदर सीट के लिए। मेरे साथ में श्री रामशंकर लोधी जी मेरे प्रस्तावक हैं और शरद जी मेरे सहयोगी अधिवक्ता, और हमने एक सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके आगे अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। आगे हम और जो निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन के, आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे और चाहेंगे कि चुनाव बहुत ही प्रतियोगिता की भावना के साथ हो, कोई लड़ाई की भावना के साथ ना हो, और जो जीते सब मिल करके एक अच्छे प्रजातंत्र में लोकतंत्र के अनुसार मिल के काम करेंगे। सिटिंग विधायक से पिटीशन है, किन मुद्दों के लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? दो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था और विकास का। कानून व्यवस्था और विकास पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में और ये सब लोग के सामने है। दूसरा, मैं एक प्रत्याशी के रूप में जिन आदर्शों के लिए खड़ा होता हूं उनको लेकर के मैं सबके सामने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि राजनीति में ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, अच्छी पद्धति के साथ मैं आया हूं और मेरे जैसे और भी साथी मुझे विश्वास है कि भविष्य में आएंगे, और मैं जिन आदर्शों के लिए खड़ा हूँ उस पर अडिग रहूँगा और राजनीति को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। सर, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि भीड़ भाड़ नहीं करती होगी, जनसभा को रोक है, तो ऑनलाइन आप लोग किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और जनता के बीच में अपनी जो बातें हैं उन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे जनता आपको सपोर्ट करती है? जितना इलेक्शन कमीशन के नियम और सरकार के नियम अलाउ करते हैं उसी के दायरे में रहते हुए हम लोग अपना घर घर प्रचार और बहुत छोटी मीटिंगें ऐसी कर रहे हैं जितना नियम ने अलाउ किया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण आजकल है लेकिन ग्रामीण अंचल में इसकी सीमित रीच है। तो सोशल मीडिया का और ज़मीन पर जा कर के घर घर द्वार द्वार प्रचार प्रसार का संतुलन हमने बनाया है, दोनों ही क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं।